मैंने 15 दिनों तक तेल नहीं ये पानी लगाया, एक बाल भी नहीं गिरा। बाल धोने से पहले इसे लगाओ, फिर बाल ना झड़ेंगे ना टूटेंगे ना होगी कभी डैंड्रफ। जी हाँ दोस्तों, आज मुझे आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके बालों के लिए और आपकी स्केल्प के लिए। जिन लोगों को बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने की प्रॉब्लम है या आपके स्केल्प में काफ़ी डर्ट जमा हो गया है, डैंड्रफ है, उन सभी प्रॉब्लम में ये टोनर बहुत ही काम आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक पॉइंट जानना आपको बहुत ही जरूरी है। और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ध्यान से लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अभी मेरे पास आर्टिफिशियल थी तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ। किसी भी बर्तन या कोई भी आपके पास स्टोर करने की चीज़ हो उसमें एलोवेरा जेल को 3 से 4 चम्मच के करीब निकाल लेना है। अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ मिलाना है, वो है विटामिन ई की 2 से 3 कैप्सूल मिलाना है। विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया गया, हमारी हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। 2 से 3 विटामिन ई की कैप्सूल भी हमें इसके अंदर ऐड करना है। अब हमें इसके अंदर तीसरी चीज़ मिलाना है, वो है कोकोनट हेयर ऑयल। 2 चम्मच के करीब आपको कोकोनट ऑयल इसी दोनों चीज़ों के अंदर मिक्स करना है। कोकोनट हेयर ऑयल हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ाता है। जिन लोग को स्प्लिट एंड्स हो गए बालों में या काफ़ी बाल ड्राई है, डैमेज है, उन बालों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए कोकोनट हेयर ऑयल बहुत ही फायदेमंद होगा। अब हमें इसके अंदर आखिरी और लास्ट चीज़ मिलाना है, वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको यहाँ पर 15 से 20 ml करीब मिलाना है और उसके बाद आपको जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से वाटर को ऐड कर देना है। ये टोनर हमारा तैयार हो गया। बात करेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों इसको यूज़ करना बिल्कुल ही आसान है। आप नहाने से 1 घंटे पहले अपने बालों पर इसको लगा लेना है, जिस तरीके से हम सीरम लगाते हैं उसी तरीके से इस वाटर को अप्लाई करना है। स्केल पर अच्छे से रुई की मदद से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो या स्प्रे बोतल की मदद से भी इसको स्केल पर अप्लाई करना अच्छे से, ये अच्छे से आपकी स्केल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हो 8 घंटे के लिए और सुबह आपको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर देना है। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। अब बात करें इसको कब कब यूज़ करना है, तो इसको वीक में कम से कम 3 से 4 दिन यूज़ करना है और आपको बेस्ट रिजल्ट 1 मंथ में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।